स्विट्जरलैंड का दूल्हा जर्मनी की दुल्हन, शिवपुरी में करेंगे शादी। दूल्हे ने बताया सात फेरे लेने भारत क्यों आए। दुल्हन बोली यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। स्विट्जरलैंड के मार्टिन और जर्मनी की उल्रिके भारतीय रीति रिवाज से सात फेरे लेने जा रहे हैं। 21 जुलाई को धूमधाम से शिवपुरी में उनका विवाह होगा। शादी में शामिल होने विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। दोनों 11 जुलाई को ही शिवपुरी पहुंच चुके हैं और शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वे गुरु डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर के यहाँ रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से शादी का मन अध्यात्म की दुनिया से जुड़ने के बाद बनाया है। वहीं शादी भारतीय परंपरा अनुसार हो रही है। दूल्हा दुल्हन भारतीय परिधान में नजर आएंगे। दूल्हा शेरवानी तो दुल्हन लहंगा पहनेगी। शादी में भारतीय व्यंजन परोसे जाएंगे। भारतीय दस्तावेज नहीं होने के कारण दोनों शादी अपने देश में जाकर रजिस्ट्रार करवाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाले मार्टिन आमवस्टन, उम्र 45 साल, पेशे से लीगल ऑडिट में कंप्लायंस ऑफिसर है। उन्होंने बताया कि वे आध्यात्मिक संत गुरुजी डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर के संपर्क में 5 साल पहले सोशल साइट के माध्यम से आए थे। शुरुआत में उन्होंने ध्यान के संबंध में उनसे ऑनलाइन मदद ली। उनके स्लोगन सेव काई में प्रभुताई शब्द का अर्थ जाना तो पता चला कि हमने अपने जीवन के 45 साल यूं ही गवा दिए। इसके बाद गुरु के सानिध्य में आध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए। इसके बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए भारत आने लगा। यहां आकर मुझे मानसिक शांति मिलती है। क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? नमस्ते, माय नेम इज उरिक सेटल। कहां की रहने वाली हैं? जर्मनी। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जर्मनी। अच्छा, ये भारत आकर आप शादी करने वाली हैं, कैसा लग रहा है? यू हैव कम टू इंडिया एंड नाउ यू आर गेटिंग मैरिड इन इंडिया, हाउ डू यू फील अबाउट इट? It's amazing. I can't say it in words. ये बोल रही कि बहुत शानदार है, मैं शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकती और मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। अच्छा, गुरुजी के सानिध्य में यहाँ इनके आशीर्वाद से आप शादी करने वाली हैं, आपको किसने बताया कि यहाँ इंडियन कल्चर से शादी करना है? आप यू आर गेटिंग मैरिड अंडर गुरुजीज ब्लेसिंग, सो व्हाट मेड यू मोटिवेटेड और हु टोल्ड यू लाइक यू शुड गेट मैरिड टू इन अंडर इंडियन ट्रेडिशंस एंड ऑल, लाइक व्हाट मेड यू थिंक लाइक इट वुड बी अ गुड आइडिया टू गेट मैरिड? यस, फ्रॉम मी इट्स द सेम व्हाट मार्टिन सेड एंड इट्स फ्रॉम मी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी। जैसा कि इनके फियांसे ने कहा, ये कह रही हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि ये मेरे लाइफ का सबसे ज़रूरी डिसीजन है और इसे मैं गुरुजी के ही आशीर्वाद के वो करना चाहती थी अंदर, तो सिर्फ गुरुजी इंडिया में हैं, भारत में हैं, तो मैं इसलिए भारत आके। अच्छा, शादी के बाद आप कहाँ, जर्मनी रहेंगी या स्विट्जरलैंड रहेंगी, दोनों साथ कहाँ रहने वाली हैं, क्या कुछ समय और भारत गुजारेंगी? सो ही इज़ आस्किंग आफ्टर मैरिज वेयर वुड यू लिव, लाइक जर्मनी और स्विट्जरलैंड, and how long are you staying in India after you get married? I will come to Switzerland to Martin and we are 2 weeks in India after the marriage. शादी के बाद ये लगभग 2 हफ्ते और इंडिया में रुकी हुई हैं और उसके बाद ये मार्टिन के साथ स्विट्जरलैंड चली जाएंगी। विश्व में अन्य देशों में शादी में एक शब्द आता है, लाइफ पार्टनर। ये पार्टनरशिप है उनके लिए, लेकिन वो पार्टनरशिप तब तक चलती है जब तक उसके टर्म्स और कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं, और यदि आप नहीं करते हैं तो वो टूट जाती है। इसलिए लोगों को जो है सारा विश्व बिजनेस लगता है और हमको कुटुंब लगता है। इसलिए यहाँ जो शादी है ये एक प्रतिबद्धता है एक दूसरे के लिए सुख और दुख में, अन्य स्थानों पर इस तरह से नहीं है। जरा सा भी उनके सुख और सुविधा में कमी आई तो फिर वो जो है संबंध विच्छेद कर देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं।